नमस्कार, मैं सुभांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर क्षेत्र के जलालाबाद डाकघर मंडी परिषद में आधार सेवा का कार्य चल रहा था, वहीं लोगों का आरोप है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ताओं को 200 रुपए रिश्वत देता है उसे सबसे पहले आधार बनाकर दिया जाता है और गरीब जनता को धूप में तपने के बाद भी वापस लौटा दिया जाता है। लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाँ, के निवासी है, हम खेड़ा हो गए, जिला हथौड़ी में पड़ता है। आप यहाँ मंडी समिति में डाकघर में आए हैं, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है हमारी साहब, यहाँ ये आधार कार्ड हमारे भतीजे का, उसका करेक्शन करवाना है, डेट ऑफ बर्थ थोड़ी गलत हो गई। तो यहाँ क्या समस्या आ रही है? यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ के अधिकारी लोग ये अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, यहाँ कोई भी मेंटेनेंस नहीं बनाए हैं, इसीलिए यहाँ देखो ये भगदड़ मची है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं साहब कि ये गाँव गाँव कैंप लगवाए जाए। अच्छा अच्छा, हाँ तभी ये आधार कार्ड का सुधार हो सकता है। जो नए बनवाने हैं वो भी बन जाएंगे, जिनका करेक्शन करवाना है वो भी हो जाएगा। अच्छा, मंडी समिति में क्या करने आए हैं आप? जन्मतिथि सही कराने आए, आधार कार्ड की जन्मतिथि सही करवाने आए। हाँ, एक नाम सही कराने, दो बिटियाँ हैं हमारी। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है आपको? तो आधार कार्ड सही नहीं हो रहे हैं। आधार कार्ड सही नहीं हो? हाँ, चार बार आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 14 तारीख को आना, 14 तारीख को इतनी भीड़ हो गई, यहाँ कैसे सही हो पाएंगे।